नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के 55 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी वर्चुअली जुड़े और साथ ही प्रदेश भर की कई जगहों पर रेलवे स्टेशन शिलान्यास कार्यक्रम की तस्वीरें सामने आ रही है। इन स्टेशनों की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और आसपास के स्टेशनों को भी विकसित किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेल यात्रा को न सिर्फ सुलभ बल्कि आनंददायक बनाना भी हमारा लक्ष्य है, जिसे हम पूरा करके रहेंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आगरा, अमेठी, आजमगढ़ और फतेहपुर की, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जहां वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की आधारशिला रखी, तो वहीं इन तमाम जगहों से हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम से जुड़े। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत इन तमाम रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। यूपी के भी 55 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प इस योजना के तहत होना है। साथ ही साथ जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करते नजर आए, तो वहीं उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ यात्रा को सुलभ ही नहीं बल्कि आनंददायक बनाना भी है। आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे, उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे, ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है, उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन विपक्ष के इस घड़े ने, इस धड़े ने, विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया और हमारा 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। मैं देख रहा हूं कि अनेक साथी आजकल सोशल मीडिया पर अपनी तिरंगे वाली डीपी अपडेट कर रहे हैं। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह रेलवे का कायाकल्प हो रहा है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह
एक के बाद एक नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह तेजी से नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, नए नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। जब लोग इस तरह का बदलाव देखते हैं तो ये एहसास और मजबूत होता है कि उनके पैसे से नए भारत का निर्माण हो रहा है। और करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, कल से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। आपको बता दें कि सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। शांतिपूर्वक सदन चलाने पर इस दौरान जोर भी दिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां कल से विधानसभा के सत्र की शुरुआत होनी है। तो विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जो आपको बता दें कि सीएम योगी ने वेबसाइट का शुभारंभ भी किया, तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा गाइड एंड टूर वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया। विधानसभा भ्रमण के लिए वेबसाइट का ये शुभारंभ किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वेबसाइट का शुभारंभ किया है, और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। लखनऊ से ये बड़ी खबर। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी इस दौरान वहां मौजूद रहे। विधानसभा गाइड एंड टूर वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। तो आपको बता दें कि भ्रमण के लिए, विधानसभा भ्रमण के लिए इस वेबसाइट का शुभारंभ किया गया, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस वेबसाइट का शुभारंभ किया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे, तो वही विधानसभा गाइड एंड टूर वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। विधानसभा भ्रमण के लिए इस वेबसाइट की शुरुआत की गई है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस वेबसाइट का शुभारंभ किया है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी खबर लखनऊ से। सपा के विधानमंडल दल की बैठक जारी। मॉनसून सत्र से पहले सपा की अहम बैठक आयोजित की गई है। जो आपको बता दें कि अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, तो सपा के सभी विधायक भी इस बैठक में मौजूद है। सरकार को घेरने की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। सपा के विधानमंडल दल की ये बैठक जारी है, जहां आपको बता दें कि मॉनसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई, और अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो सरकार को घेरने की रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है, जहां समाजवादी पार्टी के सभी नेता और विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के आगाज से पहले ये बैठक आयोजित की गई है, जहां पर सरकार को घेरने के लिए तमाम मुद्दों पर रणनीति तय की जा रही है। साथ ही रणनीति पर चर्चा की जा रही है। तो सरकार को घेरने के लिए किस तरह से रणनीति तैयार की जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही है, जहां समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और विधायक भी इस बैठक में मौजूद है। तो वही अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। लखनऊ से ये बड़ी खबर।
मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी की अहम बैठक आयोजित की गई है, जहां अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। और करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। ये बड़ी खबर ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। ज्ञानवापी सर्वे का काम लगातार जारी है। आपको बता दें कि टीम थोड़ी देर में फिर शुरू करेगी सर्वे। तो ये बड़ी खबर, सर्वे में हिंदू और मुस्लिम पक्ष भी शामिल होंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि शाम 5 बजे तक ये सर्वे किया जाएगा। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बता रही, जो आपसे कुछ ही देर में सर्वे को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा और शाम 5 बजे तक ये सर्वे चलेगा। अब से कुछ ही देर में टीम वहां पर एक बार फिर से सर्वे शुरू करेगी। तो सर्वे में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के भी लोग शामिल होंगे। शाम 5 बजे तक ये सर्वे किया जाएगा। ज्ञानवापी में सर्वे का काम जारी है और ऐसे में अब से थोड़ी देर में टीम फिर से सर्वे शुरू करेगी। सर्वे में जहां हिंदू और मुस्लिम पक्ष भी शामिल होगा, तो शाम 5 बजे तक ये सर्वे चलेगा। वाराणसी इन दिनों सदी का सबसे बड़ा सर्वे का साक्षी बन रहा है। परिसर के अंदर का तहखाना खोला गया और ऐसे में क्या कुछ राज खुले हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद हो रहे इस सर्वे का आज तीसरा दिन है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 3 चरणों में सर्वे होना है। प्रथम चरण पूरा हो चुका है। आज से माध्यमिक चरण परिसर में शुरू हो चुका है। आज से ASI मशीनों का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण को आगे बढ़ाएगी। ये एक लंबी कार्रवाई है। कोर्ट ने हमें 4 हफ्ते का समय दिया है। लोग थोड़ा धैर्य रखिए, काम चल रहा है। DGPS मशीन का कल उपयोग किया गया है। आगे आने वाले समय में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार मशीन का उपयोग किया जाएगा। तो थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए, ये काम चल रहा है और ASI अपना काम बखूबी कर रही है। शिव भक्त इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या बाबा की जिस आप बाबा के दर्शन की जिस बात करते थे आप लोग, वो सपना पूरा होगा क्या? बहुत जल्दी पूरा होगा, उसी के तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है ASI इस देश की सबसे प्रीमियम एजेंसी है, वो अपना काम बखूबी कर रही है और ये काम आगे बढ़ता रहेगा। जो DGPR मशीन लगाया गया है उससे, हालांकि पुरातत्व विभाग वाले हम लोग को बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने से देख रहे हैं, वहाँ पर मौजूद है, एकदम अलर्ट होकर के देख रहे हैं। तो बहुत सारे तथ्य हैं, आज बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे। हो सकता है बड़ा रडार मशीन उसे लगाया जाए, क्योंकि व्यास जी के तहखाने में कहा गया है कि कई ठे शिवलिंग हैं जिनकी पूजा कर रहे थे लोग, उसको मलबे से ढक दिया गया है। पश्चिमी दीवार पर जो मलबा ढका है वहाँ गुंबज के अवशेष हैं जिसको वहाँ पर ढक दिया गया है। तो अब मशीन लगा करके उस मलबे से उन लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा। हम लोग ये फोकस करेंगे, क्योंकि बिना क्षति पहुंचाए सर्वे करना है, जो स्ट्रक्चर का कोई क्षति न पहुंचाया जाए। निश्चित देंगे, क्योंकि इनका असहयोग करने का मतलब कि ये कहीं ना कहीं उसको हमारे सबूत को नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो वहाँ जा ही रहे हैं, यही अपना नमाज करने, पूजा करने या नमाज पढ़ने जाते हैं, तो नष्ट कर सकते हैं, विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऐसा मुझे सुनने को मिला है, हमसे कोई संवाद तो होती नहीं है, संभावना भी नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को मुझे मिला है कि वो आज सहयोग नहीं कर रहे हैं कमीशन में, ऐसा सुनने को मिला है। ऐसा एक ही चीज़ें हैं कि सत्य का सामना वो नहीं कर पा रहे हैं और जान रहे हैं कि सत्य सामने आ जाएगा, तो सत्य सामने आ जाएगा तो मैं वहाँ न रहूँ तो अच्छा रहे, हमको यही लगता है। ऑब्जर्व करते रहते हैं, देखते हैं, हम सलाह दे सकते हैं, लेकिन करना ASI को है। हम रहे न रहे, मुस्लिम पक्ष रहे न रहे, ASI अपने काम को ईमानदारी से सिस्टमेटिक ढंग से करेगा। वो समर्पित है कोर्ट के आदेश को मानने के लिए। कोर्ट का आदेश ASI मान रहा है, अपना कार्य करेगा, बहिष्कार करेगा, मुस्लिम पक्ष जाए न जाए इसका कोई मतलब नहीं।
अरे भाई बहिष्कार इसलिए कर सकते हैं, वो डर इसलिए रहे कि जो सत्य है, औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ा था और उन मंदिरों को तोड़ के मलबे जो है हमारे देवी देवता विग्रह शिवलिंग सब भरे पड़े वहाँ हैं। तो वो जान रहा है कि जब ये मलबों के नीचे से एएसआई सर्वे करके मशीनों से या जिस टेक्नोलॉजी से जब बाहर उन साक्ष्यों को निकालेगा तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल कर जब बाहर आएगा तो इनकी कलई खुल जाएगी। ये जो मस्जिद मस्जिद ज्ञान वापी मस्जिद मस्जिद अब तक 350 सालों से पूरे देश में भ्रम फैलाए हुए थे, लोगों को भ्रमित किए हुए थे, ये सत्य बाहर निकल कर चला आएगा। और जब सत्य निकल कर आएगा कि ये परिसर मंदिर का है तो इनके हाथ से ये मस्जिद जो है 350 साल एक आक्रांता द्वारा जो मस्जिद मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया तो वो इनके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए लटकाना भटकाना और रोध पैदा करना ये कर सकते हैं, लेकिन कल इन्होंने बड़ा सकारात्मक रोल निभाया, मुस्लिम पक्ष के पदाधिकारी से लेकर सारे लोगों ने बड़ा सकारात्मक और सहयोगी रुख अपनाया है। इसलिए हमें नहीं विश्वास हो रहा है कि भाई ये इस तरह की बात ये भी सहयोग करेंगे। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बता दें कि अब तक एएसआई की टीम प्राथमिक सर्वेक्षण कर रही थी, लेकिन आज से ज्ञानवापी में मशीनरी का उपयोग होगा। एएसआई की टीम लगातार ज्ञानवापी में गंभीर सर्वेक्षण करने में जुटी है। और रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। रामपुर में कांग्रेसियों ने टमाटर बांटकर जाहिर की खुशी, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस में जश्न का माहौल, टमाटर पाकर राहगीरों के चेहरों पर आई मुस्कान। मंडल आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने लिया लखनऊ विकास प्राधिकरण की भूमि का जायजा, 5 एकड़ की व्यर्थ पड़ी भूमि के संपूर्ण परिसर का किया दौरा। प्रदेश भर में 9 अगस्त से 30 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का होगा आयोजन, तैयारियों के संबंध में विकास सभागार में बैठक का आयोजन, जनपद में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुंची वृंदावन, मदन मोहन जी मंदिर के बाहर आने वाले यात्रियों के लिए जन सुविधाओं का किया लोकार्पण, सांसद हेमा मालिनी भी रही मौजूद। मिर्जापुर में दिव्यांग ने डीएम से लगाई आवास और शौचालय की गुहार, दोनों पैरों से वंचित दिव्यांग ने खोली विभाग की पोल, जिलाधिकारी ने जल्द से जल्द मांग पूरी करने का दिलाया भरोसा। लखनऊ में नगर निगम ने उत्कृष्ट काम को लेकर हाई कोर्ट के जज और बीबीडी यूनिवर्सिटी की डीन ने की जोनल सेनेटरी ऑफिसर की सराहना, कहा ईमानदारी के साथ काम करती है नगर निगम। मथुरा में खूनी बंदर की वजह से बच्चे की मौत, आए दिन होता है बच्चों पर हमला, इस पर नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बरेली में सपा की मासिक बैठक में जमकर हुआ हंगामा, भिड़े पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष, जमकर हुई नारेबाजी। लखीमपुर खीरी में पिछड़े वर्ग के छात्र की स्कूल टीचर ने की बेरहमी से पिटाई, छात्र के पिता ने स्कूल प्रबंधन से की मामले की शिकायत। लखीमपुर खीरी में पिता के साथ खेत पर जा रहा बच्चा पानी में डूबा, रपटा पुल पार करते समय पर फिसल जाने से हुआ हादसा, सूचना पर पहुंची एनडीआरएफ, बच्चे की कर रही है तलाश। रायबरेली में परिवहन निगम की 2 बसों के बीच जोरदार टक्कर, दोनों बसों में कुल मिलाकर लगभग 2 दर्जन सवारियां मौजूद, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, घर में टीवी बनाते समय हुआ हादसा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आजमगढ़ में थाना प्रभारी की दबंग गई, एबीवीपी कार्यकर्ताओं को जड़ा थप्पड़, वीडियो हुआ वायरल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। मिर्जापुर के अस्पताल में स्तनपान को लेकर लोगों को किया जा रहा जागरूक, स्तनपान में हो रही कमी को लेकर उठाए विशेष कदम, जागरूकता फैलाने के लिए जगह जगह लगा रहे स्लोगन।
कुशीनगर में जिला पंचायत सदस्य के पुत्र की गोली मारकर हत्या। युवक को घर के बाहर अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। वारदात के बाद मौके से फरार हुए बदमाश मामले की तफ्तीश में जुटी पड़ी। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।